वेलकम बैक टू माई चैनल बी जल्दी पटेल। सो आज हम जा रहे हैं दोबारा कैंपिंग के लिए। इस वीकेंड भी हमने कैंपिंग बुक करके रखा था। इस बार हमने कहाँ किया है वो मैं बता देती हूँ। इस बार हमने वाटर टर्न में किया है कैंपिंग बुक। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि वाटर टर्न की जो कैंपिंग साइट है वो कैसी है और वहाँ कितना मज़ा आता है। बाकी आप श्रीवा को देख लो, रेडी होके मस्त बैठ गई है। श्रीवा सबको हाय बोल दो, हाय। देखो इसको नींद आ रही है वैसे तो। तो चलो चलते हैं कैंपिंग साइट पे और देखते हैं कितना मज़ा आता है। रास्ते में वैसे हम रुकने वाले हैं एक दो जगह पे जो कि देखने लायक जगह है, तो हमें है कि रुक के चलते हैं देख के। तो चलो दिखाती हूँ क्या क्या घूमते हैं और कैंपिंग साइट कैसी है। और अगर आपने अभी मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत मज़ेदार वीडियो मिलने वाली है। चलो अभी हम आ चुके हैं एक फॉल के पास। मैं आपको फॉल दिखा देती हूँ। ये देखो पीछे फॉल दिख रहा है, वो देख लो इतना खूबसूरत फॉल है। वैसे मैं इसका नाम बता देती हूँ, ये है लुंडब्रेक फॉल। बहुत ही खूबसूरत है। कैलगरी से आप अगर वाटर टर्न जा रहे हो तो रास्ते में ये फॉल आता है। और लोकेशन पूरा देख लो इतना खूबसूरत है। ये देख लो कितना प्यारा जगह है। और हमें भूख लगी है, मैं लेके आई हूँ पफ, तो चलो खाते हैं। चलो चलते हैं। बाकी ये देख लो, मेरा तो मन कर रहा है नीचे जाने का, देखते हैं अगर जा पाते हैं तो। बाकी देख लो कितना मस्त जगह है पूरे फॉल के साथ। लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं और देखने के लिए और फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए कितने अच्छे अच्छे कॉर्नर बनाए हुए, देख लो बहुत मस्त है। तो चलो चलते हैं, पहले खाते हैं फिर कुछ सोचते हैं क्या करना। हेलो, आ जाओ सब खाने के लिए। पफ एंड पेप्सी है वैसे, बट आ जाओ सारे के सारे। तो अभी हमने खाना वाना खा लिया है और देखो मैं आपको थोड़ा पास से व्यू दिखा रही हूँ। देख लो कितना खूबसूरत नज़ारा है। वैसे अभी तक हमने सोचा नहीं है कि हम नीचे जा रहे हैं या नहीं, लेकिन अगर हम नीचे जाते हैं तो मैं नीचे से आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगी। कितना मस्त है, खूबसूरत नज़ारा। तो चलो देखते हैं, अगर नीचे जाते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। दीप कहाँ चढ़ के फोटोग्राफी कर रहे हैं। और इसको देखो, डॉग्स देख के कितने मज़े कर रहे हैं। ये देखो मैं आपको सामने से दिखाती हूँ ये पूरा नज़ारा, कितना मस्त है देखो। सो अभी हम चल के आगे जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम चल रहे हैं। ये देख लो पूरा, अभी यहाँ से चढ़ के देख लो। वैसे यहाँ से भी आप नीचे जा सकते हो, रास्ता है। हम नीचे जा रहे हैं या नहीं अभी भी नहीं पता है, पर ऊपर की ओर अभी तो जा रहे हैं। देख लो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं तो हम अब ऊपर जा रहे हैं। और इस साइड से नज़दीक से फॉल देखने जा सकते हो आप लोग वैसे तो। चलो चलते हैं। चल के आए ब्रिज के पास, जहाँ पे देख लो ये कितना अच्छा पूरा लोकेशन देख लो। देख लो ग्रिजली बियर का पूरा उन्होंने हार्ड मास निकाला है, देख लो। ये वैसे यहाँ पे इसलिए लाए हैं कि अवेयरनेस आए कि यहाँ पे ये लोग है तो हमें इनको हार्म नहीं करना है और अपनी सेफ्टी देखते हुए सारे एक्शन करने हैं कि क्या करना है क्या नहीं। देख लो बाकी माहौल बन जाए वैसा लोकेशन है ये। हमने डिसाइड जा रहे हैं तो ये देख लो हम पूरा करते हुए जा रहे हैं। और वो देख लो शिवा पहले ही मुझसे भी आगे आगे जा रही है नीचे, मज़े की जगह है। तो चलो चलते हैं नीचे और नीचे से भी दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है ये सारा कुछ। तो चलो चलते हैं नीचे। तो हम नीचे आ चुके हैं, देख लो नीचे से भी पूरा नज़ारा। अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे फिर जाएंगे ऊपर की और वापस से और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे भी कहाँ जाते हैं वो भी दिखा दूँगी, थोड़ी देर यहीं पर इंजॉय करते हैं। चलो ये
देख लो हम तो आ चुके हैं पूरे पास में, पानी की आवाज़ भी देखो कितनी अच्छी आ रही है और देख लो कितना अच्छा लग रहा है। और हम शिवा को भी पूरा पास तक लेके आए, देख लो इतनी मज़े की जगह है। वैसे यहाँ पे कुछ है नहीं, आप प्रॉपर चल के जा सको वैसा है तो अच्छा है, तो इसीलिए हम शिवा को यहाँ लेके आ पाए, बाकी नहीं लेके आ सकते। लेकिन देख लो कितनी अच्छी, मैं पास से भी दिखाती हूँ, रुको ये देख लो पूरा पास से, पता नहीं आपको मेरी होगी या नहीं पर देख लो नज़ारा कितना मस्त है। हम पूरे पास आ चुके हैं, ये देखो हम जाने लगे थे वापस, लेकिन ये मैंने देखा तो मैंने सोचा इसको भी शूट कर लेती हूँ। देख लो किसी ने कितना प्यारा बनाया हुआ है, पता नहीं किसने बनाया लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। हम सतोड़ियों खेलते थे बचपन में, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, देख लो जा चुके हैं। और ऊपर से भी मैं दिखा देती हूँ, देख लो हम पूरा वहाँ तक गए थे, अभी ऊपर आ चुके हैं और हमारी कार उधर पार्क है, वो देखो सामने वाइट कार हमारी। अभी हम जा रहे हैं वापस घर की ओर, थोड़ी और फोटोशूट करवाने के बाद तो फिर आगे देख घर की ओर मतलब कैंपिंग साइट पे जाएंगे, अभी तो कैंपिंग बाकी है, साइट पे ही नहीं गए अभी तक तो। और अगर बीच में कहीं और रुकते हैं तो मैं वो भी जगह दिखा दूँगी, तो चले चलते हैं। तो अभी हम आए थे फॉल के पास बैठने के लिए, यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो मैंने ये देखा रेनबो, देख लो कितना प्यारा लग रहा है ये रेनबो, कितना प्यारा लग रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, मैं आपको थोड़ा पास से दिखा रही हूँ, ये देखो चलो। ये राई की खेती, तो मैंने सोचा इसकी भी वीडियो बना लूँ, देख लो। और ये देखो कितने सारे में हमें दिख गया, ये बहुत ही प्यारा सा व्यू, तो हम देखने के लिए रुक गए, देखो कितना प्यारा व्यू है, खूबसूरत है पूरा, बहुत ही अच्छा व्यू है, देखो। तो हम रुके थे सिर्फ ये व्यू देखने के लिए, अभी चल रहे हैं आगे, तो हमने यहाँ पे खींच ली थोड़ी सी फोटो वगैरह, बाकी अभी हम जा रहे हैं आगे, चलो चलते हैं। और एक जगह हम रुके जहाँ पे भी वो अच्छा था, और मैं बता दूँ कि वो जो दिख रही है सामने होटल, वो है होटल फेयरमाउंट जहाँ पे सनमरे मूवी की शूटिंग हुई थी। बाकी देख लो पूरा व्यू, कल ये होटल के पास में गए तो मैं इसकी वीडियो पास से भी दिखा दूंगी, बाकी देखो कितना अच्छा है ये। अभी हम साइड पे पहुंच चुके हैं कैंपिंग की, अभी देखते हैं कि हमारी कैंपिंग एग्जैक्टली लोकेशन कौन सी है हमारी, तो चलो चलते हैं अभी। बाकी ये देख लो कैंपिंग साइट कितनी खूबसूरत है, तो चलो चलते हैं। देख लो ये है हमारी कैंपिंग की लोकेशन, अभी हम बांध रहे हैं टेंट, और वो देख लो शिव मस्त बैठ चुकी है, और इधर है हमारे पास चार्जिंग का ऑप्शन, तो ये देख लो हम कर रहे हैं इनका चार्जिंग अभी, प्लग जो है प्लग प्लग करना था, तो चलो देखते हैं। तेरी हमें पीनी थी चाय, तो हमने बनाना शुरू किया चाय, और यहाँ पे बन रहा है टेंट, देख लो मैगी, ये देख लो। हम रुके हैं कैंपिंग करने के लिए यहाँ पे, और ये देख लो इसके पास ये कितना अच्छा लेक है, देख लो कितना ब्यूटीफुल है। तो अभी हम यहाँ पर बैठने आए हैं चेयर वेयर लेके, तो अभी हम यहाँ पर बैठना चाहते हैं, तो चलो बैठते हैं, देखते हैं कितना मज़ा आता है, अभी बहुत है और मज़ा भी आने वाला है, तो अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे फिर जाएंगे खाने के लिए, हमने बनाई है खिचड़ी, तो चलो शाम को एंजॉय करते हैं। अभी मैंने सोचा कि मैं आपको टेंट भी दिखा दूँ कि अंदर से कैसा बना है, तो ये पूरा टेंट इस तरह से बना हुआ है, और हमने यहाँ पे ये लगा दिया है मैट्रेस सोने के लिए, तो ये देख लो पूरा बेड जैसा बन गया है, ये हमारे ब्लैंकेट्स है जो कि अभी हमने नहीं लगाया, बस एक लगाया हुआ है, और बाकी ये देख लो सारा कुछ, हीटर है अभी सेट करना बाकी है, बाकी हमारे बैग्स यहाँ पे रख दिए हैं, और हमने मच्छर कॉइल लगा दिए क्योंकि यहाँ पे मच्छर काफ़ी है,
बैंप में जब हम गए थे कैंपिंग करने के लिए वहाँ इतने मच्छर नहीं थे, लेकिन यहाँ पे है तो देख लो कितना मज़ा आएगा यहाँ पे। तो चलो एंजॉय करते हैं। आप लोग भी अगर यहाँ पे आते हो तो आपको ये साइट बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ब्यूटीफुल है। मेरा पूरा वीडियो देखना तो आपको पता चल जाएगा कितनी अच्छी साइट है। तो चलिए मिलते हैं। देख लो हमारी खिचड़ी बन के रेडी है, तो चलो आ जाओ खाने के लिए। ए नहीं, अभी खिचड़ी तो खा ली है, लेकिन ये व्यू देख के मज़ा आ गया। देखो कितनी अच्छी रेड लाइट हो रही है पहाड़ के ऊपर, तो ये देख के मज़ा आ गया, तो मैंने सोचा वीडियो बना लो। तो अभी ये देख लो कितना प्यारा लग रहा है। अभी हम आ चुके हैं सोने के लिए, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ये देख लीजिए, ये बदमाश अभी भी नहीं सो रही है, तब मैं इसको सुलाती हूँ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे कल का व्लॉग भी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको उसमें बताऊँगी कि हमने डे टू पे कैंपिंग में क्या किया। चलो चलते हैं, बाय बाय। अभी हमने बहुत अच्छे से कार्ड्स के लिए उसका वीडियो भी मैं अटैच कर दूँगी, तो ज़रूर से देखना। बाय बाय।